नेक्स्ट टॉपिक है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। ये सुनी होगी आपने, किसी भी चीज़ की वो लाइफ निकालने के काम आती है रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। वैसे एनसीईआरटी में आता नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, शायद किसी कॉम्पिटिशन में आ जाए, वो भी कम ही आता है, पर फिर भी आपको तरीका बता देता हूँ है क्या चीज़। ये पूरी कहानी ये बताता है कि एक्चुअल में क्या होता है, जो कार्बन के आइसोटोप्स हैं कार्बन 14, इसका हाफ लाइफ पीरियड हम लोगों को पता होता है 55-68 ईयर्स है। बहुत बड़ा हाफ लाइफ है इसका, मतलब आधे एटम इतने सालों में खत्म होंगे, ठीक है। और कार्बन 14 एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और कॉस्मिक रेज की हेल्प से प्रोड्यूस होता रहता है। मतलब ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लें कि एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 की अमाउंट रहती है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल, हम लोग हैं जो सांस लेते हैं, वो कार्बन 14 को इनहेल करते हैं। तो हमारी बॉडी में कार्बन 14 की अमाउंट उतनी है जितनी एटमॉस्फेयर में, राइट, क्लियर है। तो जितना अमाउंट एटमॉस्फेयर में उतना लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहेगा, चाहे प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स है, चाहे ह्यूमन है। आगे अब क्या होता है, व्हेन ऑर्गेनिज्म डाइज। अब मान लो ऑर्गेनिज्म मर गया, सांस लेना बंद कर दिया, सांस लेना बंद कर दिया तो कार्बन 14 का इनटेक बंद हो गया, तो उसके अंदर जितना कार्बन 14 पड़ा हुआ है वो डीके होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट, वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। जब वो टूटता है कार्बन 14, तो वो कार्बन 12 में टूटना स्टार्ट हो जाता है। अब किसी भी बॉडी के अंदर इनिशियली कार्बन 14 था, जब उसके सांस बंद हो गए कार्बन 14 ही था, टूटना स्टार्ट हुआ, टूटते टूटते कार्बन 12 बन गया, तो कुछ कार्बन 12 रहेगा, कुछ कार्बन 14 भी रहेगा। अब दोनों कार्बन हो गए, तो मान लेते हैं कि शुरू में कार्बन जो 14 था, जब ऑर्गेनिजम्स ने सांस लेना बंद किया, तो एन नॉट टोटल नंबर ऑफ एटम थे कार्बन 14 के। अब क्या हुआ, उसने टूटना शुरू किया कार्बन 14 ने, कार्बन 14 और 12 में, तो कार्बन 12 के अंदर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, N12 का मतलब 12, नंबर ऑफ एटम इन कार्बन 12, और ये क्या है, नंबर ऑफ एटम इन कार्बन 14, और इन दोनों का सम एन नॉट ही रहेगा, क्योंकि सांस लेना बंद किया तो एन नॉट तो एन नॉट ही है। तो इनिशियली नंबर ऑफ एटम कार्बन 14 के कितने थे, एन नॉट थे। अब उसमें से कुछ ये बन गए और कुछ ये बन गए, राइट। अब हम क्या करते हैं, एन नॉट तो पता ही है इन दोनों का सम के इक्वल है, राइट। तो शुरू में सिर्फ ये था, अब ये भी हो गया, लेकिन टोटल विल रिमेन एन नॉट। तो हम क्या करेंगे, कितना कार्बन 14 बचा, कितना कार्बन 14 बॉडी में बचा, एन 14 बचा, नंबर ऑफ एटम इन कार्बन 14 था कितना, एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो एन नॉट क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कार्बन 12 और 14 के इक्वल है, सम के इक्वल है। यहां से सॉल्व किया और टाइम निकाल दिया, ये फॉर्मूला टाइम का निकलाया, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म की अगर एज निकालनी है तो उसके अंदर लैम्डा हमें पता है, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड पता है कार्बन 14 का 5568, नंबर ऑफ एटम कार्बन 12 के काउंट करके देख लेंगे, 14 के काउंट करके देख लेंगे, बस वो नंबर ऑफ एटम अगर हमें पता लग जाते हैं, वहां से उसकी एज पता लग जाएगी, इतने साल पुराना एलिमेंट है, ऑर्गेनिज्म है वो। तो क्लियर है यहां तक कि कैसे, वैसे आता नहीं है, बात अलग है, पर फिर भी मैंने करवा दिया, कहीं ना कहीं लिखा होता है।